नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्र व राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का सफलतम रूप से ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में पदस्थ प्रतिनिधि GRS एवं ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से योजनाओं का पारदर्शिता के साथ संचालन किया जा रहा है। लाल बर्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत लेडी झर्री तुलसी ग्राम में पदस्थ सरपंच संध्या बिसेन व उनके पति पूर्व सरपंच संजय बिसेन द्वारा ग्राम पंचायत अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। वे ग्राम विकास में आवश्यक विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं, साथ ही ग्राम पंचायत में सामाजिक साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बेहतर सोच के साथ तालमेल करते हुए ग्राम पंचायत को विकास की दिशा में अग्रसर किया जा रहा है। ग्राम हित के लिए शासन के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसका हम अंतिम छोर तक हम उसकी सुविधा जो है उसके लाभ जो सरकार के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं उन तक पहुँचाना ही, और इसी की वजह से हमके फिर ग्रामीणों ने दोबारा सरपंच बनने का मौका दिया जी। इस बार क्या कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको आपने टारगेट में रखा है, गोल रखा है कि भाई ये काम मुझे इस साल इस पंचवर्षीय कराना है करके? सबसे पहले गांव का पूरी संपूर्ण रोडों का विकास जी, नालियों का, क्योंकि जो नाली है इससे पानी इधर उधर बह जाता है, वो पानी स्टोर नहीं हो पाता, उसको कम से कम तालाब तक ले जाके तालाब में पहुँच जाए और स्टोर रहे तो उससे जल स्तर अच्छा रहेगा। पहले पानी की समस्या, दूसरी साफ सफाई, जो शौचालय बने हैं उनके बाद से जो पानी बह रहा है, गंदगी बह रही है, उसके लिए एक अपने सूप गड्ढे का निर्माण और संपूर्ण नाली प्लस रोड और पीएम आवास की जितने भी हितग्राही और शेष बचे हैं उनको पूर्ण योजना का लाभ देना जी। आपके यहाँ सीएम राइज स्कूल भी स्वीकृत हुआ है लेंडेझरी में, वो क्या लगता है आपको, इसको देखकर शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से गाँव को आगे लेकर जाने का प्रयास है आप लोगों का? ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि इस छोटे से ग्राम में हमारे कुछ आदरणीय हमारे श्री विधायक महोदय जी, सम्माननीय गौरी शंकर जी बिसेन के मेहनत कहो जो उनको गांव के प्रति जो लगाव था उनके द्वारा यह सीएम राइस स्कूल हमारे गांव को प्रदान शासन के द्वारा किया गया। इसमें यह कि शिक्षा का स्तर तो क्योंकि क्या होता था प्राइवेट स्कूल में हर बच्चा पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसकी फीस ज़्यादा होती है, ग्रामों में गरीब लोग रहते हैं, तो उसके लिए शासन ने जो यह योजना सीएम राइस की लाई इसमें बच्चों को पूर्ण माने पढ़ाई का माने इंग्लिश पढ़ाई इंग्लिश के द्वारा और शिक्षा का स्तर ऊंचा अच्छा स्तर है। हम देखते हैं रोज हमें सब चीज़ों में हमें शिक्षा का स्तर हमारे। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।